दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी को एक बार फिर से एमएचबी मीडिया में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रक्षा कवच के बिजनेस के बारे में कि रक्षा कवच का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में कि आखिर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई भी किसी डिस्ट्रिक्ट का कैसे ले सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और हमें और क्या बेनिफिट होंगी। ठीक है, मैं सबसे आता हूँ इस सारे प्रश्नों को लेकर के। आपका जो भी डाउट्स है वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स है आपका, मैं सर के पास जाता हूं, तब तक आप लाइक कर दीजिए और अंत तक बना रहिए। अगर मैं सारे प्रश्नों के बारे में जानना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में जानना है, आइए। सर, हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में सर आपसे बात करना है सर कि कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपसे लेना चाहेगा सर, तो सबसे पहले सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में बताइए सर कि कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोलती है, क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है किसी भी कंपनी में या फिर फील्ड में या फिर सेल्स में, क्या रोल होता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप? डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या होता है कि जो कंपनी है कोई भी प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर तो कर लेती है, लेकिन उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए उसको कस्टमर बनाने पड़ते हैं सर। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी का कस्टमर होता है जो कि अपने अंडर रिटेलर को बनाता है, सुपर रिटेलर बनाता है, कंपनी के प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुँचाता है सर। जी सर, बिल्कुल सर। अगर आपके साथ कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप जुड़ना होगा सर, तो सर वो मतलब उसको कितना इन्वेस्ट करना होगा और सर कंपनी की तरफ से उसको क्या क्या मिलेगा सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है रक्षा कवच है सर, वो मात्र 50,000 रुपए देकर हमसे आप उसका बिजनेस परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ कंपनी आपको भरपूर मात्रा में मार्केटिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराएगी। इस मार्केटिंग मटेरियल में हम आपको पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, कैनोपी, अम्ब्रेला तक प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप मार्केट में जाओ और उस मार्केटिंग मटेरियल के दम पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करो सर। जी देखा आपने, 50,000 में मात्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले सकते हैं, सारे के सारे मार्केट मटेरियल कंपनी देगी। सर एक बात और सर, हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ये चीज सुने थे सर कि एक बंदे की सैलरी भी सर दिया जाएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसे 50,000 का बिजनेस लेके हमसे जुड़ते हो सर, तो उसमें हम एक बंदे की सैलरी भी प्रोवाइड कराएंगे। देखिए सर, आप अपने अंडर एक बंदा तो रखिएगा, अपना एक स्टाफ रखिएगा, उसकी सैलरी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जो कि 7,000 होगा सर। सर दूसरी प्रश्न मेरा सर ये है कि सर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या है सर कि ये प्रोडक्ट नया नया है सर, हर लोगों के लिए नया नया है सर, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है सर। इस जो प्रोडक्ट नया है सर, तो बहुत लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है इस बारे में सर, तो क्या इस नॉलेज पे भी कंपनी कुछ काम कर रही है सर, इसके लिए भी कुछ मिले? हाँ सर, आप जैसे कि हमसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके जुड़ते हो, तो सर हम आपको वैसे ही प्रोडक्ट मैनेजर का नंबर दे देंगे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का नंबर दे देंगे सर। आपको प्रोडक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, आपके बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे मार्केट किया जाए, कैसे बिजनेस को हेल्प किया जाए, बढ़ाया जाए, उसमें आपका प्रोडक्ट मैनेजर हेल्प करता है। दूसरा ये है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सर, जैसे ही आप माल सेल करते हो या प्रोडक्ट सेल करते हो, तो अगर कस्टमर को कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो वो आपको ना पकड़ेगा सर, वो सीधे सीधे कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके अपना टेक्निकल इशू सॉल्व कराएगा। जी सर, कस्टमर प्रोडक्ट मैनेजर का रोल यहाँ पर यह है कि अगर आपको सेल्स में कोई भी दिक्कत आ रहा है, बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो आपको उसको शॉर्टेज करेंगे। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ये है कि अगर टेक्निकल इशू है, कोई ऐप में इशू आ रहा है, तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करके आप अपने प्रॉब्लम को दूर करवा सकते हैं। सर तीसरा प्रश्न मेरा यह है सर कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया सर, तो क्या सर अगर उस शहर से या फिर उस डिस्ट्रिक्ट से रिटेलर, सुपर रिटेलर सर अपने भी बात हमसे आकर शेयर किए थे, बात सर आपसे जब बातचीत हो रही थी सर तब की, कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है तो उनको एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनाया जाता है सर, ये बात हमें समझ में नहीं आई सर। हाँ सर, देखिए जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके हमसे ज्वाइन करते हो सर, तो हम एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन करेंगे सर। एग्रीमेंट पेपर पे हम लिख कर आपको देंगे कि आपके पूरे के पूरे जिले में जितने कस्टमर के रिक्वायरमेंट होंगे या कि जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे वो आपके अंडर में वो सेल जाएगी और साथ ही साथ प्रॉफिट भी जाएगा। उसमें क्या होता है कि सर देखिए, आप तो अपने अंडर में सुपर रिटेलर और रिटेलर जोड़िएगा ही, और हमारे पास भी फोन आता है कि हमको इस जिले का कस्टमर चाहिए या सुपर रिटेलर या रिटेलरशिप चाहिए, तो वो भी नंबर हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे कि आप जैसे पंकज जी है तो पंकज जी का ये नंबर है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लो और उसका रिटेलरशिप और सुपर रिटेलरशिप आप ले सकते हैं। मालिक का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनते हैं, तो अगर उस डिस्ट्रिक्ट से चाहे सिंगल पीस का बिलिंग आए कंपनी के पास या फिर कोई रिटेलर या सुपर रिटेलर अगर बनना चाहे, तो वो कंपनी डायरेक्ट सेल रिटेलर को सुपर रिटेलर को नहीं करेगी, वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे प्रोडक्ट परचेस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप बने हुए हैं। ठीक है
सर ये बात सर ठीक है, समझ में सर आ गया सर। दूसरा बात है सर कि अगर जैसे सर पटना में आपका ब्रांच है सर, हजपुरा में सर आपका ब्रांच है, ठीक है सर, पटना के आसपास कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आएगा, कोई कोई बंदा लेना चाहेगा सर, तो आपके ब्रांच में आकर सर लेके चला जा सकता है सर आसपास के डिस्ट्रिक्ट से सर। लेकिन अगर हमारे बिहार से या फिर किसी दूसरे स्टेट से दूर दराज से लोग हैं, अगर वो चाहेंगे परचेस करने के लिए सर यहाँ, तब सर उनको आना संभव नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सर, वो बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये सर डिजिटल प्रोडक्ट है, कहीं भी बैठकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर, आपने जैसा बताया, तो सर कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको समस्या ये है कि हम वहाँ जाकर के प्रोडक्ट को लाएं कैसे, तो क्या सर कंपनी खुद पहुंचाती है कैसे सर, क्या करती है? देखिए उसके लिए तो और भी बेनिफिट है कि आपको कंपनी एक सीओडी ऑप्शन भी प्रोवाइड कराती है कि आप मात्र 5,000 रुपए देके ये प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं, और जब ये प्रोडक्ट आपके दरवाजे पे पहुंचेगा तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी आप चेक कर लो, और फिर जो रेस्ट अमाउंट है वो हमारे डिलीवरी बॉय को आप दे सकते हो। सर ये फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। मतलब आप 50,000 का प्रोडक्ट मात्र 5,000 रुपया में बुकिंग करके आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, घर पे चेक कर लीजिए कि जो हमको बोला गया है वो सारी चीजें मिली है या नहीं मिली है, उसके बाद आप रेस्ट अमाउंट उसको पे करके जो भी बंदा आएगा आपके पास डिलीवरी करने के लिए, डिलीवरी बॉय को आप पे कर दीजिए, वो आपका प्रोडक्ट घर तक पहुंच जाएगा, आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। आप चाहे आप आसपास के हैं तो ब्रांच विजिट करने के लिए जरूर आ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं भी इशू है, तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, क्योंकि बहुत तेजी से डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरे देश में फैल रहे हैं, बन रहे हैं, आप छूट न जाइए, इसीलिए आप पहले कॉल कीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी बात को अनहिंसित देखा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी इशू है, प्रश्न आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।